आज मैं आहत हूँ, दुखी हूँ। जबान पे शब्द आ नहीं रहे, क्योंकि जो चीज देखी मैंने आज उसने भौंक के खड़ा कर दी। आंदोलन की आग में हरियाणा को जलते मैंने देखा, लेकिन मालूम नहीं था कि इस आंदोलन की आग में ना जाने कितनी लड़कियों की अस्मत को लूट लिया जाएगा, कितने आंदोलनकारी बलात्कारी बन जाएंगे। महिलाओं की ना सिर्फ कपड़े उतारे गए, उनके साथ हैवानियत की हर हद को पार कर दिया गया, गैंगरेप किया गया, और उसके बाद झाड़ियों में तड़पता छोड़कर बिना कपड़ों के ये आंदोलनकारी वहां से चले गए। क्या ये आंदोलन की लड़ाई थी? क्या इसलिए आंदोलन चलाई था कि तमाम आंदोलनकारी बलात्कारी बन जाए, किसी की जीवन भर की कमाई को बर्बाद कर दिया, किसी के ढाबे को जला दिया, जुरासिक पार्क को तबाह कर दिया, न जाने कितनी बसों को जला दिया, रेलवे ट्रैक तक उखाड़ दिए। कि सब कुछ करके भी इन आंदोलनकारियों को चैन नहीं मिला था क्या? कि महिलाओं की इज्जत को भी नहीं छोड़ा गया? महिलाओं का क्या कसूर था? उन ढाबों की क्या गलती थी? वो बसें जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मदद करती है, उन बसों की क्या गलती थी? ट्रेन की क्या गलती थी जिनके ट्रैक तक उखाड़ दिए गए? और उन लोगों की क्या गलती थी जिनका सब कुछ बर्बाद कर दिया गया? ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। वो तस्वीरें जो आज देखी, उन तस्वीरों को देखने के बाद दिमाग से वो तस्वीरें जा नहीं रही। खौफ में हूं मैं और बहुत डर लग रहा है। कैसे सड़कों से बाहर निकलेंगी बेटियां, कैसे घरों से बाहर आएंगी बेटियां? हमारे प्रदेश में कहा जाता है कि बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, लेकिन ना पुलिस ने अपना काम किया, और जो लोग समाज के ठेकेदार बनते हुए और जो लोग इस आंदोलन को कर रहे थे वो तो शायद इंसान कहलाने की भी लायक नहीं है। हरियाणा को बर्बाद कर दिया, अब तो खुश होना, अब तो मिल गया आरक्षण, लेकिन ये तबाही की भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल से होगी। अब भी वक्त है, संभल जाओ, संभलना होगा, तभी हमारा हरियाणा बच सकेगा, तभी ये देश बच सकेगा। 2 बजे के बाद की बात है, तो फिर आगे से लोग आए, मोटरसाइकिलों पे आए, तो गाड़ियों को जलाने शुरू। वो मालूम नहीं है, हजारों लोग थे। जो ड्राइवर उनको बोल रहे थे, जो हम माफी मांग रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, उसको पीटते थे। तो इसलिए हमने ना माफी मांगा ना उसको कुछ बोला, खड़े रहे हम लोग, देखते रहे। हमने देखा पैदल पे जो औरत लोग, लड़की लोग आ रही थी, उनको खेतों में ले जाके तो उल्टा सीधा काम किया। बहुत ज्यादा हुआ है, हमने खुद देखा, आप सुना नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। कपड़े फाड़ दिए हैं, जो लड़के थे जो 20 साल की उम्र से लेकर 26-27 की उम्र साल के नीचे थे, औरत लोगों को, लड़की लोगों को, ये इधर आगे 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 आपको पीटेंगे, आप इधर से भाग जाओ। जब नीचे जाती थी लड़कियां औरत, तो वहां इज्जत लूटते थे। पहचान पाएंगे लोकल लोग? जो आप हमारे सामने होंगे, हम पहचान पाएंगे कौन आदमी है इधर? उस वक्त नहीं, यहाँ 2-3 दिन से इधर ही घूम रहे हैं अभी भी। एक दो मरेगा, मारेंगे भाई। अरे मारो मत, बता दो इन्हें। बस छोड़ गई भाई। वो
तो फंस गया, एक दो फंस गए। बेसिकली जो डिमांड है जाटों की चल रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं आर्टिकल 15 और 16, रिजर्वेशन दिया जा सकता है सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, और हरियाणा का जाट सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। हमें डिमांड यही है कि स्टेट लेवल पे जो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन है 27% जो रिजर्वेशन है उसमें हमें शामिल किया जाए और बिल पेश करके दिया जाए, और सेंटर में जो अदर बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन है उसमें जाट कास्ट को इंक्लूड किया जाए। दो चार बंदे थे वो जरूरी है, गणित थे जरूरी था, नहीं तो भागना तो सिस्टम गणित थे थोड़े थोड़ी थे बाइक मार कोई ओए वो पुलिस कहाँ गई भाई, तुम तो आगे बात की थी ना मेडिकल मोड की तरफ पंगा काम होगा भाई, तो काम चले वायरल नंबर बताना वायरल कर दे या वीडियो थोड़ी सी फोटो पीछे क्लिक मार के बाद के छोड़ गया यार, उम्मीद नहीं थी हाँ था नंबर की पूरा फोन नीचे गिर जाएगा, ये तो पंगे ने रूप ही बदल लिया भाई साहब, और
ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੋਂ ਮੈਂ ਬੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜੀ साहब। अगर वो बालक आ गए जी तेरे गए थे रहे, तो पक्का काम होगा साहब। अभी तो सब काम तो पक्का होना ही होना है, कभी वो कभी वो तो पक्का काम। ये तो कई दिन हो गया, यूं तो पूछेंगे जाट है पंजाबी है, अरे बड़े तो घने दिन तक करेंगे। ये पूरा आराम से देख के वहां पर जा, देख ये पूरा जला रखा है ऊपर तक, बनाता जा सारी आराम से। वेरी गुड, आराम आराम से बनाता और का है दुकान, बाकी सब वो रही। ये देख सारे जूते जाते सब उठा के देखे, आराम से ज्यादा हिला मत। हाँ। और वापस पीछे चलो, पीछे भी बनानी है। चलो आगे फूड लाइन का शोरूम बिल्कुल खाली कर दिया। गाड़िया ये देखो नीचे सारा, आगे क्या बनाता जा रहे हैं उसे। ये टावर भी जला दिया ऊपर कर रहे, इधर बनो फॉरवर्ड क्या कर रहा है बता। इधर को इधर ये देखो सामने दवाई वाली दुकान, क्या कर रहा है तू? बना नहीं रहा, बनाई तो रहा पूरी। मोड़ो एक मिनट में हटा लेता है वहाँ से कैमरा, ये मैंने बहुत बनाई है। कैमरा मत हटाया कर, इधर बना ले अब। हाँ बना लेना पूरी ऊपर तक बन रही है, चला रहा हूँ तू उधर देख के बनाता जा रहा है। हाँ, इधर मत देख, बस बन रही है, बन रही है सारी, बन गई। आगे चलते जाओ, ये बन गई, ये बन गई, बनाता जा इधर, लोगो की बनाता जा, लोगो की वो ही आगे। और ये चलो आगे वो बना दी पूरी वीडियो बन गई। इधर ये दुकान, ये यही तो बनाई है अभी पूरी ऊपर तक बन गई। ये नाइकी का पूरा लूट के ले गए वहाँ, सब कुछ लूट लिया। ये आगे आगे चलते जाओ। हाँ ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो आगे करता जा बस। तुझे हाँ बस ये देख अभी भी आग लगी हुई है, अभी भी है वो ऊपर तक कर ली वीडियो। जल्दी चलो बना ले तू बस पूरा। हाँ बना ली, इस दुकान की बन गई ये, ये पूरी बुरी बुरी हालत में। ये आगे चलो, ये दुकान ओ जला दी सारी की सारी। आप लोग यहाँ कितने दिन से फंसे हुए हो? तीसरा दिन हो गया जी। आप लोगों को यहाँ कोई असुविधा, कोई खाने की नहीं जी, कोई पानी की, चाय की, कोई मतलब सब सुविधा ही सुविधा है, कोई ऐसा नहीं है। क्या आप लोगों को किसी ने डराया धमकाया? खाना आप लोग कहाँ खा रहे हो? खाना बन रहा है स्कूल में, पूरी और छोले बन रहे हैं, और यहाँ चाय भी आ रही है, और यहाँ संतरे भी आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए थे? हम लोग तो आए हुए उत्तराचल से बाजपुर। और कहाँ जाएंगे? हमें जाना है इधर में अपने पानीपत से आगे सफेदा, सफेदा का हिसार। आज तक इतनी बार जाम में फंसे होंगे आप, कई सौ बार जाम में फंसे होंगे क्योंकि आप गाड़ियों में रहते हैं, क्या आपने ऐसा कोई बंदोबस्त देखा है कि जहाँ जाम लगा हुआ वहाँ पे खाना भी आपको खुद खिलाया जा रहा है? जाट आंदोलन के कारण आपको कोई असुविधा नहीं है? जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद। कितनी बसों को जला दिया, रेलवे ट्रैक तक उखाड़ दिए, कि सब कुछ करके भी इन आंदोलनकारियों को चैन नहीं मिला था क्या? कि महिलाओं की इज्जत को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं का क्या कसूर था? उन ढाबों की क्या गलती थी? वो बसें जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए भिखारी वहां से चले गए, क्या आंदोलन की लड़ाई थी? क्या इसलिए आंदोलन चाहिए था कि तमाम आंदोलनकारी बलात्कारी बन जाएं? किसी की जीवन भर की कमाई को बर्बाद कर दिया, किसी के ढाबे को जला दिया, जुरासिक पार्क को तबाह कर दिया, ना जबान पे शब्द आ नहीं रहे, क्योंकि जो चीज देखी मैंने आज उसने रोंगटे खड़े कर दिए। आंदोलन की आग में हरियाणा को जलते मैंने देखा, लेकिन मालूम नहीं था कि इस आंदोलन की आग में ना जाने कितनी लड़कियों की असमत को लूट लिया जाएगा, कितने आंदोलनकारी बलात्कारी बन जाएंगे। महिलाओं के ना सिर्फ कपड़े उखाड़े गए,
उनके साथ हैवानियत की हर हद को पार कर दिया गया, गैंगरेप किया गया और उसके बाद झाड़ियों में तड़पता छोड़कर बिना कपड़ों के या नॉलेज। आज मैं आहत हूँ, दुखी हूँ,